कल्याणी, कल्याणी छोड़ उसको, कल्याणी छोड़ उसको, छोड़ क्या बलाजी, नहीं बलाजी वो जल नहीं सकता, कल्याणी पागल हो गई हो क्या, बलाजी नहीं, बलाजी वो सुराग था, सुराग, बलाजी आई नींद में बड़बड़ा रही थी कुछ, एमएच बॉस बार बार एमएच बॉस बोल रही थी वो, और फिर मैंने पता लगवाया कि एमएच बॉस एक्चुअली एक गाड़ी का नंबर प्लेट था, और एमएच बॉस का एक्चुअल मतलब है MH 1055, और एमएच बॉस जो डिजाइनर नंबर प्लेट था ना, वो हो सकता है कि वो हमारे केस से रिलेटेड हो, इसलिए तो मैं यहाँ पे गैरेज में पहुंच गई, और वो राजू अक्षय का मलाजी गैरेज वाले अभी इधर ही थे, पकड़ लो इनको, पकड़ ले चल ले चल, राव उस गैरेज वाले राजू को भी पकड़ो, मल्हार जी ये देखिए उसपे ना एक नंबर लिखा है, ये नंबर जो मैं नोट करके लाई हूँ, ये नंबर जरूर राजू का होगा, तो हम इस नंबर को ट्रेस करवा के ये पता लगवा सकते हैं ना कि ये दोनों कहाँ भाग गए, और जी ये नंबर लो, सेंड कर रही हूँ आपको, हाँ थैंक यू सो मच कल्याणी मैडम, आपकी वजह से दोनों गुंडे पकड़े गए, काफी दिनों से पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी, थैंक यू, 1000 रुपए, 1000 रुपए किस चीज के, सुना नहीं क्या आपने, अभी अभी मैंने 2 मुजरिमों को पकड़ने में पुलिस की मदद की, अब आप ही बताइए काम किया है तो पगार तो मिलनी चाहिए ना, दीजिए, देखा मल्हार जी कहा था मैंने आपको कि ये जॉब तो मुझे मिलकर ही रहेगी, कौन सी जॉब, इन्फॉर्मर की, ये 1000 रुपए मुजरिम को पकड़वाने के हैं, नौकरी तुम्हारी पक्की नहीं हुई है अभी तक, 24 घंटे के अंदर तुम कोई क्लू नहीं लेकर आई हो कल्याणी, अरे ये नंबर प्लेट के बारे में पता लगवाना, ये क्लू नहीं तो और क्या है, वो नंबर प्लेट के गाड़ी के ओनर का नाम किधर है, नहीं मिला ना, ठीक है कर लूंगी, वो भी कर लूंगी मैं, 6 घंटे ना, 6 घंटे बहुत है मेरे लिए, मेरी आई को निर्दोष साबित करने के लिए, अब देखिएगा 6 घंटे के अंदर कैसे मैं कोई और सबूत भी निकलवाती हूँ, देखते हैं, हाँ हाँ देख लेना आप, अब बस अब तैयारियाँ शुरू करिए मल्हार जी, मुझे इन्फॉर्मर की जॉब देने के लिए, पवार जी MH 8055 किसकी गाड़ी है पता लगाओ जी सर, और इस गैराज वाले को भी पकड़ो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, ठीक है सर, इनके पकड़े जाने के बाद शायद हम केस के कुछ करीब पहुंचे, मैं भी चाहता हूं कि किसी भी हालत में माई को निर्दोष साबित कर सकूं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि उसने कुछ नहीं किया है सर, और हाँ ये बात के गैराज की वजह से और नंबर प्लेट की वजह से मतलब कल्याण की वजह से हमारा फायदा हुआ है, उसको ये बात मत बताना, ओके सर, मैं चाहता हूँ कि वो शर्त हार जाए, ये इन्फॉर्मर की जॉब देखे मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, कल्याणी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कल्याणी, और पता नहीं है ये एमएच बॉस में क्या बड़बड़ा रही थी नींद में, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आई प्लीज कोशिश करो, मेरा ये जानना कि ये नंबर प्लेट और केस का क्या कनेक्शन है बहुत जरूरी है, तुम समझो मेरी बात, आई प्लीज कोशिश करो, कोशिश कर रही हूँ ना कल्याणी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और ये क्या शुरू किया है तुमने, हाँ ये खबरी वबरी की नौकरी, ये क्या चल रहा है कल्याणी तुम्हारा, जाहिर है कि मल्हार को गुस्सा आएगा ना, ये हमेशा तुम ऐसी ही चीजें क्यों करती हो जिससे तुम्हारे और मल्हार के रिश्ते में तनाव पैदा हो, मैं तुम्हें खुद कह रही हूँ कि 26 जुलाई की रात को मैं वहाँ थी और मेरे हाथों ही खून हुआ है, हाय फिर से शुरू हो गई, एक बार समझ,
एसपी, अरे एसपी आप उधर। वो बहू, मैं इधर से गुजर रही थी तो अनुप्रिया के गुस्से में आवाज सुनी इसलिए रुक गई। ऐसी कोई बात नहीं है एसपी, अब आप बाहर क्यों खड़ी है, आप बिल्कुल अंदर आ सकती थी। अब अच्छा खैर वो सब छोड़िए, आप अंदर आइए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। और मेरी और आई की चिंता मत करें, हम दोनों का ऐसा प्यार मोहब्बत में चलता रहता है। एसबी ये देखिए, मैं ना दिवाली के लिए सबके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ज्यादा महंगे नहीं लाई हूँ क्योंकि जितने पैसे सेव किए थे उनमें ये सब सामान ही आए। पर सब आई, चलो ना, वो दादा अपन सबके लिए दिवाली के तोहफे लेकर आए हैं, चलो ना। मल्हार जी भी गिफ्ट लेकर आए हैं? अरे मैं भी लाई हूँ, वो देखो वो। अरे आप वही नहीं, वो तुम्हारे तोहफे अपन बाद में देखेंगे। तो क्या है ना दादा अपन सबके लिए बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं, बहुत महंगा होगा। चलना चलना चलना। अरे पर अरे मल्हार जी के महंगे गिफ्ट्स के सामने पता नहीं मेरे गिफ्ट्स किसी को पसंद भी आएंगे या नहीं। ये तोहफा है? हाँ, सेहत से बढ़कर इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है। बाहर ब्लड टेस्ट वाला खड़ा है, वो सबका ब्लड टेस्ट ले लेगा और आज ही आज रिपोर्ट भी दे देगा। अच्छा नहीं लगा तोहफा? नहीं मल्हार, गिफ्ट बहुत अच्छा है, बेहतरीन है, थोड़ा हटके है। आमतौर पे लोग दिवाली पे मुंह मीठा कराते हैं, लेकिन हम खुश नसीब हैं जो इस दिवाली अपने शक्कर का चेकअप करा रहे हैं। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मल्हार जी, आहिर इतना और कोई उम्मीद भी मत रखना, ठीक है? तुम्हें पता है इन्होंने मुझे शादी के बाद सबसे पहले गिफ्ट क्या दिया था? टैल्कम पाउडर। मुझे सबसे पहले उन्होंने टैल्कम पाउडर गिफ्ट किया था और कहा था कि क्योंकि गर्मियां चल रही है इसीलिए, ताकि मुझे कम हो रहा था। तो काम भी तो आया ना तुम्हारे वो कल्याणी। क्या हो रहा है? यू सबके सामने अपने पति का मजाक उड़ा रही हो? मल्हार, बहुत अच्छा तोहफा है। अब वैसे भी हर साल दिवाली में कोई ना कोई कपड़े लत्ते तो देता ही है, कल्याणी भी सबके लिए कपड़े ही लाई है। ये सब कपड़े लाने के लिए बहू के पास पैसे कहां से आए? ये सारे गिफ्ट मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे हैं। ये बाकी सब का है। और मामन जी, ये कुर्ता आपके लिए। ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन मैं दिल से आपके लिए खरीद के लाई हूँ, आप पे ये बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? कल्याणी अब तो खबरी बनके पुलिस वालों के साथ काम करने वाली है, ऐसे घर वालों के सामने पुलिस की इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं कर सकती हूँ ना मैं। क्या करके पैसे कमाए तुमने? कॉल सेंटर। मेरी दोस्त का कॉल सेंटर है, उसमें उसने ना मुझे जॉब दे दिया है, तो एडवांस में मैंने थोड़े उससे पैसे मांगे थे, तो उस एडवांस से मैंने घर में सबके लिए शॉपिंग कर ली।
अब ये दिन आ गए हैं कि राणे परिवार की बहू बाहर जाकर नौकरी करके पैसे कमाएगी। बहू, तुम्हारा काम नौकरी करना नहीं है, घर संभालना तुम्हारा काम है। असावरी, ये सब चीजें उठाओ और बाहर फेंक दो। आओ पण। रुकिए। क्या बुराई है कल्याणी की नौकरी करने में? मैं कल्याणी का पति होने के नाते उसकी नौकरी से सहमत। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कॉल सेंटर में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि कल्याणी और भी बड़ा करने की क्षमता रखती है। उसके लिए कल्याणी को मन लगा के पढ़ाई करनी होगी। मैं चाहता हूं कि कल्याणी पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो। तुम तो अपनी बीवी की तरफदारी करोगी, सही है? तो अब बहू बाहर जाकर नौकरी करके पैसा कमाएगी तो तुम घर का चूल्हा चौका संभाल लो, रोटियां बेलना सीख जाओ तुम। छोड़िए ना बाबा, क्यों गुस्सा कर रहे? जैसे मैं आपका, हीर का, आई का और स्वरा का अच्छा बुरा जानता हूं, वैसे कल्याणी का भी जानता हूं। देखिए कितने प्यार से आपके लिए लेकर आई है, प्लीज ले लीजिए। मल्हार, इन कपड़ों को मैं तो क्या, इस घर का कोई भी सदस्य छुएगा तक नहीं। बहू ने लाया हुआ कुर्ता तुम अकेले पहन के घूमना। वैनी, वैनी, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? बबड़े, मैंने क्या कहा सुना नहीं? मुझे मेरा गिफ्ट दो ना। ये तो बहुत सुंदर है और दिवाली पे मैं यही पहनूंगी। थैंक यू। सब अपने मर्जी की कर रहे हो, सबको मनमानी करनी है ना? इस घर में मेरी सुनने वाला कोई है ही नहीं। बाबा, कल्याणी मेरे लिए क्या लाई हो? ये अच्छा लगा आपको? कलर तो मेरी पसंद का है, अच्छा ही होगा। कल्याणी आओ साहेब, और ऑथर का भी मेडिकल टेस्ट होना है तो उनका भी करवा देना। थैंक यू मल्हार जी। क्या बोल रही है? कल्याणी उस गैरेज वाले तक पहुंच गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो रजिस्टर चल गया, वरना कहीं उसे पता चल जाता कि वो गाड़ी किसकी है तो
फिर भी आहिर इस कल्याणी पर हमें नजर तो रखनी होगी, क्योंकि इतना बड़ा सुराग मिलने के बाद ये चुप बैठने वालों में से नहीं है। अरे नहीं बाबा, मैं क्यों पुलिस को बताऊंगी? देखिए अभी ना ऐसे नाटक मत करिए, आप प्लीज मुझे बताइए। देखिए मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है, आपको किसी भी तरह ये मुझे पता लगा के देना होगा कि आपने वो नंबर प्लेट किसके लिए बनाया है। मैं तो तभी बता देता था ये आपको, वो दो गुंडे मेरे गैरेज में छुपे हुए थे और उन्होंने कहा कि अगर मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मैं तो आपकी मदद ही करना चाहता था, बेकार में फंस गया भाई और पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी है। देखिए देखिए आप प्लीज परेशान मत होइए, मैंने आपको बताया है ना मेरे हस्बैंड ACP हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप बस मुझे किसी भी तरह बताइए कि आपने वो नंबर प्लेट किसके लिए बनाया था। ठीक है भाई मैं देखता हूँ, मेरे पास एक शायद दूसरा रजिस्टर है। अगर मैं एक घंटे में आपको फोन नहीं किया तो समझ जाइएगा कि मैं कार मालिक का नाम नहीं पता कर पाया। ठीक है मैं एक घंटे तक आपकी कॉल का इंतजार करूंगी। बात हद से आगे बढ़ रही है आहिर, इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बहू नहीं कोई बात नहीं बहू, बाप जी ने कहा है कि इन सारे दियों में घी तुम्हारे हाथ से ही डलना चाहिए। मैंने कहा उनसे कि मैं बहू की मदद कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, शादी के बाद पहली दिवाली है तो घी तो बहू ही डालेगी। और थोड़ा जल्दी करना बहू, अगर बाप जी ने देखा ना कि काम पूरा नहीं हुआ है तो शंभर टक्के आड़ा ओड़ी करेंगे। SP मैं कर तो लूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी करना जरूरी है क्या? बहू अगर जरूरी नहीं होता तो मैं तुमसे कहती ही क्यों। हाँ ठीक है करती हूँ। भाई इसकी नजर तो फोन पर ही अटकी हुई है। भाई मैं काम करता हूँ, मोहिनी का मोबाइल मेरे मोबाइल से सेम मॉडल है, मैं किसी भी तरह इसका मोबाइल अपने मोबाइल से एक्सचेंज करता हूँ, तो कैसे भी करके इसका ध्यान भटका। हाँ किसी भी हालत में उसके राज वाले का फोन नहीं आना चाहिए। Mm-hmm.